लाएंगे हम कहां से तुझ जैसे सरबुलंद किरदार बेगुफ्तार भी हीरे की लड़ी थी। मैं मरहूम का भी जिक्र करना चाहता हूँ, ज़्यादा पढ़ाऊँगा जुमे के बाद। ये मुकर्रम मोहतरम मौलाना मुबारक नज़ीर साहब हैं, जो जामिया कैनेडा के प्रिंसिपल भी रहे हुए हैं और मुबल्लग इंचार्ज कैनेडा भी रहे हैं। 8 मार्च को उनकी वफ़ात हुई थी 87 साल की उम्र में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मौसी थे, बड़े बेनफ्स मुतवक्कल अल्लाह दुआगो कनात पसंद इंसान थे, बड़ी दरवेश सिफत थे। इनको देखकर मुझे हमेशा हकीकी बुज़ुर्ग देखने का एहसास पैदा होता था। बहुत सी खसूसियात के हामिल थे और एक मिसाली वाक़ ज़िंदगी थे और मुरब्बियान के लिए ख़ास तौर पर एक नमूना थे। इनकी ज़िंदगी दीन को दुनिया पर मुकदम करने की एक अमली तस्वीर थी। हमेशा जमात की खिदमत की और खलीफा वक्त की इताअत को अपना नस्बुल ऐन बनाया। जैसा कि मैंने कहा, फ़न तकरीर में भी महारत रखते थे, उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में बड़े कादरुल कलाम थे। बहुत पुरअसर तकरीरें होती थी, इनकी अहलिया लिखती हैं मुतलफ़ी साहिबा के सारी ज़िंदगी बहुत नेकी और तकवा के साथ इन्होंने बसर की। जमात के एक एक पैसे का दर्द रखते थे और अपनी ज़िंदगी नहायत सादगी से गुजारी। सियरा लियोन छोड़ने के बाद भी वहाँ के बहुत से गुरबा की मदद मुस्तकिल तौर पर खामोशी से करते। कहती हैं, मैं इस बात की गवाह हूँ कि वो बेहतरीन वक्फ़ ज़िंदगी के साथ साथ बेहतरीन खामंद और नहायत शफीक बाप भी थे। हमेशा इस बात की फ़िक्र में रहे कि जमात मुझ पर इतना खर्च कर रही है तो मैं किस तरह फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। अक्सर इस बात को भी दोहराते थे कि मैं खलीफा वक्त की नाराज़गी किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यकीनन वो एक आलिम व अमल थे और इसीलिए उनकी तकरीरों का लोगों पर असर भी बहुत होता था। लेकिन खिलाफत के सामने आजजी की इंतहा थी उनकी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी औलाद और नस्ल को उनके नक्शे कदम पर चलाए, उनकी दुआओं का उनकी औलाद को वारिस बनाए, नस्ल को वारिस बनाए और अल्लाह ताला जमात को भी इन जैसे बेलौस खिदमत करने वाले अता फरमाता रहे। ख़ास तौर पर जामिया के कैनेडा के जो पढ़े हुए मुरबियान हैं, उन्होंने बहुत से वाक़यात लिखे हैं इनके के साथ, किस तरह वो तरबियत करते थे, किस तरह उन्होंने तबलीग करना सिखाया, किस तरह अखलाक सिखाए, किस तरह दीन सिखाया। बारह उन्होंने बहुत फैज़ पाया उन रुबियान ने। तो ये सिर्फ़ उनको याद रखना चाहिए कि सिर्फ वाक़यात याद रखने के लिए, बयान करने के लिए ना हों, बल्कि इन रुबियान को भी इन चीज़ों का अमली नमूना बनना चाहिए। अल्लाह ताला इनको भी तौफीक अता फरमाए। लाएंगे हम कहां से तुझ जैसे सरबुलंद किरदार बेगुफ्तार भी हीरे की लड़ी थी। हक पर फिदा हुआ है सब जानते हैं ये, हक पर फिदा हुआ है सब जानते हैं ये। मुबारक थी जिंदगी और रुखसत की घड़ी भी, मुबारक थी जिंदगी और रुखसत की घड़ी भी। मुबारक तेरी तकरीर की कोई न थी नजीर, इखलास और वफा की तासीर बड़ी थी।
लाएंगे हम कहां से तुझ जैसे सरबुलंद किरदार भी गुफ्तार भी हीरे की लड़ी थी। इल्मो हुनर के मोती कर दे बपा तिलिस्म इल्मो हुनर के मोती कर दे बपा तिलिस्म तू बोलता था दुनिया भी हैरत में पड़ी थी तू बोलता था दुनिया भी हैरत में पड़ी थी। महबूब से वफा का ऐसा दिया सबक जानो दिलम फिदाए हर एक घड़ी थी। लाएंगे हम कहां से तुझ जैसे सरबुलंद किरदार भी गुफ्तार भी हीरे की लड़ी थी। लिखेंगे तेरा नाम रोशन हुरूफ में लिखेंगे तेरा नाम रोशन हुरूफ में साबित कदम रहा तू मुश्किल जो घड़ी थी साबित कदम रहा तू मुश्किल जो घड़ी थी। सरसब्ज छांव में तू सोया है सी नींद रहमत भी साथ हो गई जो पास खड़ी थी। लाएंगे हम कहां से तुझ जैसे सरबुलंद किरदार भी गुफ्तार भी हीरे की लड़ी थी। किरदार भी गुफ्तार भी हीरे की लड़ी थी।